का पैसा नहीं था, फिर भी आप लोगों के साथ मिलने के लिए आपका विचार हमारा विचार आदान प्रदान सोने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और यहाँ मैं जो सुनता हूँ जब जानकारी हुआ कि हम 85 या 90% जो भी हो ये सारे इकट्ठा होने से बात बनने बन जाएगा जिसे हम सोचते हैं, लेकिन ये 90% क्यों नहीं इकट्ठा होते ये बात। तो पहले हम मूल निवासी के बारे में थोड़ा समझना चाहिए। तो मूल निवासी कौन है? भारतवर्ष में पहले जो जनता थे इसको हम मूल निवासी बोलते। तो मूल निवासी तो मूल निवासी है, जैसे सारे जीव एक एक जाति है, तो मानव भी एक जाति है। जो भारत से बाहर आए जो आपको आर्य बोलते थे उन्होंने जब देखे यहाँ भाईचारा है, ये अच्छा से जिंदगी जीते और आपस में झगड़ा लड़ने कुछ नहीं है, तो ये उन्नत स्थिति में है। तो इसीलिए जब देखे संतों का ये सोचे कि ये ज्यादा कैसे हम अत्याचार करेंगे वो अच्छा होते हैं, तो इनको अत्याचार करने के लिए फिर हमको कमजोर करने के लिए उनका तरीका क्या हुआ कि हमको कैसे टुकड़ा टुकड़ा किया जाए। तो इसी से उन्होंने हमको पशु बना दिए, पशु का जाति है हमारा मानव का क्या जाति है। तो हमको पहले पशु बना दिए और हम टुकड़ा टुकड़ा करके सारे जाति बना सकते। तो हमारा मूल निवासी ऐसे टुकड़ा टुकड़ा हो गए, तो टुकड़ा टुकड़ा होने के बाद हम कमजोर हो गए। तो उसी बात ये सारे हमारा जमीन जायदाद सारे टूट गए, तो हमको शिक्षा और संपत्ति से वंचित कर दिया। शिक्षा और संपत्ति से हम वंचित करने से क्या कमजोर हो गए। तो इसी हालत में जो भारतवर्ष है, जब मैं यहाँ से बोलता हूँ जब तभी भारतवर्ष को मुसलमान नहीं आते, तो मुसलमान जब नहीं आते मुसलमान हुकूमत नहीं होता, तो जाति में जो कमजोर थे जो जिसमता से रखे थे, तो ये मस्जिद बनाए तो हमारा ये लोग सर मस्जिद को चले। कि उन्होंने बोले उनके पास राज था, उन्होंने बोले भाई देखो ये जो अल्लाह की घर है ये सबका घर है। तो भारतवर्ष में जो नबे दूसरे जाति थे ये लोग सर मस्जिद के चले। तो मस्जिद भारतवर्ष नहीं, जो मुसलमान है ये कौन है? ये भारतवर्ष का नीचे जो दबे कुचले थे वही है अभी भारतवर्ष का मुसलमान। तो भारत की मुसलमान जो स्थिति है, तो यहाँ इतने जाने के बाद जब पब्लिक स्कूल नहीं होता तो पढ़े कैसे होता? ये तो हम पढ़ाई से वंचित किए थे। हम जब अभी पैंट शर्ट पहन के पूरा बैठे हैं तो इंग्रेज नहीं आते तो हमारा जो पब्लिक स्कूल होता नहीं होता, हमारा पढ़ाई भी नहीं होता। तो हमारा शत्रु कौन है? सारे जो भारत वर्ष नहीं, जो हम जिसको मूल निवासी और जो बाहर से आए इंग्रेज कुछ है मान लो मुस्लिम है, लेकिन ज्यादातर मुस्लिम है भारत वर्ष के, कुछ लोग मुस्लिम है जो बाहर से आए। लेकिन अभी अभी भारत वर्ष जो है किसके कब्जा में है, जिसको हम 3.5% बोलते हैं, तो 3.5% जिसको बोलते हैं वो आर्य है, इन्हीं का कब्जा में सारे हैं। तो इसीलिए जब ये पब्लिक स्कूल हुआ तो बाबा सारे जितने हम लिखे पड़े हैं मान लो जितने जितने हमारा संस्कार और संघर्ष करने वाला का फोटो हम देखते हैं ये सब सारे कम पाठ पड़ रहे हैं। मान लो हम बोलते हैं ये सावित्रीबाई फुले ज्योतिबाराय फुले ये सारे तो आए हैं कब आए? जब 1813 में पब्लिक स्कूल नहीं होता तो ज्योतिबाराय फुले 1827 में जन्म लिए। तो ये स्कूल था तो पर
तो बड़े बनने के बाद ये भारतवर्ष का जो सामाजिक व्यवस्था, ये देखें कि ये व्यवस्था से जो जाति बनाए हैं, ये सारे जाति को नीचे करके इनको संपत्ति और शिक्षा से वंचित किए, आस्ते आस्ते शिक्षा की व्यवस्था हुआ। तो बाबा साहब बाद में पढ़ाई किए, तो पढ़ाई करने के बाद जब भारत पर से संघर्ष शुरू हुआ, तो पहले कौन संघर्ष शुरू किया? पहले पिछड़े संघर्ष शुरू किया। पिछड़े जो है उन्होंने पूरे आगे थे, हमारा जो 90% बोलते हैं हमारा से वो लोग आगे थे। तो पहले शुरू किए वो संग्राम, इसके विरोध ब्राह्मण के विरोध किया आपके तो ज्योतिबा राव फुले साहू जी महाराज और ये जितने थे उसी वक्त उन्होंने संघर्ष छेड़े थे और डॉक्टर ये सारे पहले संघर्ष किए। उसके बाद बाबा साहब जब बाबा ने पढ़ाई किए तो कौन मदद किया था उस वक्त? साहू जी महाराज जब भी कुछ मदद नहीं करते बाबा साहब कुछ शिक्षा भी नहीं कर पाते। तो मान लो ये लोग क्यों सहायता किए, वो सोचे कि एक लड़का निकलता है जो ये बहुजन को मुक्त देगा, तो इसीलिए उन्होंने मदद किए और पढ़े पढ़े बहुत। तो जब बाबा साहब संघर्ष किए तो उनको पता हुआ कि समाज का स्थिति उनको पता था और संघर्ष करने के बाद पहले शुरू हुआ हमारा सब सुविधा कब शुरू हुआ? जब 1930 और 31-32 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बैठा, तो उसी पर भारतवर्ष का जो मुस्लिम लीडर थे वो मदद नहीं करते तो फिर जो खुना पाक हुआ ये नहीं होता। तो हमारे मदद कौन किए? इंग्रेज के पढ़ाई के लिए, हमारे सुविधा के लिए मदद कौन किए? मुस्लिम किए। 1932 में जो खुना पाक हुआ ये खुना पाक मुस्लिम का मदद नहीं होता तो ये खुना पाक नहीं होता। उसी पर गांधी जी ने क्या करते थे मुस्लिम को कहते थे आप लोग जो चाहते मान लो, मैं आपको साथ दूंगा, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर नहीं बोलते, अम्बेडकर जो आप दावी करते हैं दलित के लिए उसको पूरा आप लोग स्वीकार नहीं कीजिए, लेकिन मुस्लिम को पता है कि भारतवर्ष में जो मुस्लिम है ये दलित सारे हैं। तो बाबा साहब जो बोलता है जब अभी उनको साथ हम नहीं गए बाद में पता चलेगा कि मुस्लिम उनको विरोध किए थे, तो दलित भी जो बड़े बड़े मुस्लिम हैं उनका विरोध हो जाएंगे। तो एक बड़े बड़े मुस्लिम लीडर बाबा साहब के साथ थे, तो इसीलिए 1932 मसीहा में पुनः पाक हुआ, हमारा सुविधा हुआ। और भी एक चीज आप लोग जानना जरूरी है, 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भारत वर्ष का हुआ तो संविधान तैयार हुआ। तो फिर ये लोग जो भारत वर्ष का बड़े राजनीतिक पार्टी कांग्रेस था उनका इच्छा क्या था कि अम्बेडकर को कैसे हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को नहीं आए, सारे कोशिश किए लेकिन कौन मदद किया? मुस्लिम किया। तो 1946 में भारत वर्ष को इंटरिम गवर्नमेंट जो था ये गवर्नमेंट बंगाल में था मुस्लिम लीग और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का हुकूमत था, इसीलिए उन्होंने सोचे मुस्लिम और दलित सोचे कि बाबा अम्बेडकर जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नहीं जाएगा हमारे लिए जो सुविधा संविधान में करने के लिए हम चाहते हैं ये लोग नहीं देते, तो इसीलिए उन्होंने मिलकर बाबा साहेब को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को भेजेगा। ये इससे क्या पता होता है? तो मुस्लिम और दलित हमारा संपर्क क्या है इसी से पता होता है। तो दलित और मुसलमान का जो संपर्क इसी से पता होता है। तो हम अभी जो सोचते बोलते हैं हम दलित मुस्लिम इच्छा हो जाए, मान लो इच्छा हो जाने से भारत पर से इच्छा होता तो यहाँ मुस्लिम थे 33%, यहाँ भारत इच्छा होता तो मुस्लिम का आबादी होता 33% और दल एससी एसटी का पॉपुलेशन होता है 22.5, कितना हुआ 55.5। तो ये लोग भारत क्यों किए कि मुस्लिम को अलग कर देने से दलित बिल्कुल कमजोर है, मुस्लिम का जोर है, तो ये जोर वाला
उनकी इच्छा होने के लिए। लेकिन आज वो हिंदुस्तान की बात हम चर्चा करते हैं भाई, क्यों सारे मुस्लिम भाई ज्यादा हिंदुस्तान बोलते हैं? बोलते हैं नहीं, क्यों बोलते हैं? ये डर हिंदू का डर से सारा मुस्लिम भाई बलन से हिंदुस्तानी हिंदुस्तान बोलते हैं। लेकिन हिंदू है धर्म, इनका उत्पत्ति कब हुआ? भैया हम तो रामायण महाभारत गीता जितने भी है कोई भी एक हिंदू शब्द है क्या? जब नहीं है हिंदू शब्द कहाँ से आया? कहाँ से है ये शब्द? तो इनका जो रचना है जितना वेद वेदांत पुराण जितने भी है हिंदू शब्द कहाँ से नहीं है? हिंदू शब्द का अर्थ क्या है? दस्कर, चोर, डकार, बदमाश। हिंदू बताइए, देखिए हिंदू शब्द का अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? तो ये लोग जो शब्द इनके इनके जो हुए हैं वही काम लोग करते हैं, ये काम वो करते हैं, सारे काम उन्हीं का एक है। तो इसीलिए अभी ये सारे चीज जानने के बाद हमारा कमजोरी कमजोरी क्या है? देखो जितने दलित नेता बाबा साहेब क्या बोले थे? ये बोलते हैं अंबेडकर का अनुगामी। बाबा साहेब क्या बोले थे? भाई जितने लोग पढ़ लिखे हो और नहीं जो संविधान का विचार आप लोग के सुविधा के लिए दिए हैं तो नाम में लगाने के लिए आप लोगों को इच्छा होना होगा। लेकिन सारे नेता इच्छा क्या है? अपने स्वार्थ के लिए वो बिखरे हुए हैं लेकिन माँ बाप का नाम लेते हैं, सिर्फ नाम लेते हैं, सारे बिखरे हुए। अरे भाई मेरी बात को थोड़ा बोल देता, मैं 4 बार स्टेट में रजिस्टर था। जब मैंने इसी काम में लगा तो मैं कांग्रेस वाला मुझे मंत्री से निकाल दिया, पार्टी से निकाल दिया, क्योंकि जब तक मैंने इनका इशारा पर चलता था मैं मंत्री बनता था। जब मैंने सोचा बाबा के बारे में मैंने थोड़ा जानकारी हो गया तो मैं जनता को बताया तो उन्होंने बोले ये सत्ता में रहेगा तो फिर जनता को अपना साथ ले जाएगा। तो इन्हीं में मुझे तो निकलने के बाद फिर जब यहाँ जनता दल हुआ मैंने जनता राजनीति करने वाला तो राजनीति तो यहाँ एमपी बन के फिर यहाँ केंद्र मंत्री होंगे। तो फिर मैं भी उसी वक्त आपको याद के लिए मैं बोल देता हूँ, भारतवर्ष में एक ही राजनीतिक दल और एक ही सरकार था भारतवर्ष में जो अम्बेडकर का नाम लेता था, ठीक क्या दिल में लेता था, वो पार्लियामेंट हॉल में बाबा का तस्वीर नहीं था, सारे का तस्वीर था। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जो मंत्री बनाया था उनका तस्वीर अंदर नहीं है, तो 90 में उनका तस्वीर लगा ले रहे। सारे को तुम भारत रत्न दिए थे लेकिन बाबा साहब भारत रत्न नहीं दिए थे, भारत रत्न दिया गया। जो उनके साथ बहुत अधर्मी हुए थे इनको ये सुविधा से वंचित किया गया था, वो संविधान को संशोधन किया गया और 1990 में ये उद्दिष्ट को भी ये दर्जा दिया गया। तो ये काम क्यों किया गया? कि बाबा साहब की सम्मान के लिए, इनकी इज्जत के लिए, वो जो संविधान में व्यवस्था किए हैं इसीलिए काम सारे किए हैं। लेकिन भारतवर्ष का तो आप लोग यहाँ कोई पिछड़ा वर्ग का आदमी है तो आज पिछड़े वर्ग का आदमी बोलता हूँ कि जो संविधान का पहली संशोधन था बाबा साहब ने 50 को संविधान लाया, इसी में एससी एसटी का संरक्षण व्यवस्था था। लेकिन उनका ज्ञान आएगा कि 22 अध्याय एक देश का हुक्म नहीं ला सकते, तो भारतवर्ष का जो पिछड़ा वर्ग है 50% इनको जब हम ये सुविधा के अंदर नहीं लाएंगे तो सत्ता आना मुश्किल होगा।
तो इसीलिए भारतवर्ष का पहली संशोधन 51 मसीहा में था, पिछड़े वर्ग को भी यह सुविधा मिलना चाहिए। लेकिन पिछड़े वर्ग 90 तक यह सुविधा उनको मिला नहीं था लिटल दबा के। तो 90 में बाबा साहब का संविधान का पहला संशोधन कामयाब था 90 में। लेकिन पिछड़ा वर्ग तब तक भी समझे नहीं थे। आज भारतवर्ष में जब पिछड़ा वर्ग भाई यहाँ है, मैं आपको बोलता हूँ कि अभी भारतवर्ष से हिंदू धर्म है, मंदिर है, ये देवता को मैं मूर्ति काट कर तरस रहे हैं। ये पिछड़ा वर्ग है, जब मंदिर को नहीं जाएंगे तो ये मंदिर नहीं रहेगा और ब्राह्मण नहीं रहेगा। दलित तो काटे नहीं, आदिवासी तो काटे नहीं, माइनॉरिटी तो काटे नहीं, तो मंदिर को जाने वाला कौन है? जाने वाला पिछड़े वर्ग, ये रुके जाते हैं, ये रुके जाते हैं। कौन ब्राह्मण किसको लूटता है? पिछड़े वर्ग को लूटता है। और पिछड़ा वर्ग भी उनके राजनीति का साथी है, तो राजनीति का साथी ये लोग है। तो इसीलिए हम जो माइनॉरिटी और दलित पीड़ाग्रस्त है, तो हम इसीलिए रिक्वेस्ट करते हैं भाई, पिछड़ा वर्ग का हमारा नेतृत्व भी ले जाए अच्छा है, लेकिन हम ये ब्राह्मण का दबे कुचले जो ये हम आपको पीड़ा दिया है, हम ये पीड़ा से हम लोग इसीलिए हम जो बोलते हैं कि आदिवासी दलित और पिछड़े वर्ग का माइनॉरिटी हम सब इकट्ठा हो तो हमारा 90% हो। तो 90% आज सत्ता में क्यों नहीं? ये सारे टुकड़ा टुकड़ा हो गए, सारे नेता टुकड़ा टुकड़ा हो गए। मैंने हम मेरे जो प्रदेश है उड़ीसा, मैंने एक छोटा पार्टी बोल उड़ीसा में, तो जितने छोटे छोटे पार्टी है मैं सारे लेकिन क्या ये करते हैं, ये जो छोटे छोटे पार्टी, ये जो यहाँ पार्टी बनाए बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े नेता जो बनाए पार्टी, इनका छोटे छोटे पार्टी वहाँ बना रहते हैं। तो ये किसका काम करते हैं? ये बीजेपी का काम करते हैं, ये सारे बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं और बीजेपी का काम करते हैं। कैसे वो तो जाति से हम टुकड़ा किए थे, ये लोग पार्टी से टुकड़ा करते हैं, जाति से टुकड़ा हुए हैं फिर पार्टी से टुकड़ा करते हैं। तो इसे इसी हिसाब से ये बाबा का जो नाम लेते हैं ये झूठी झूठे हैं, क्योंकि नाम लेकर राजनीति चलाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल अंतर से उनका विचार ऐसा नहीं है। तो ये जो स्थिति है, आप लोग जो काम करते हैं समाज में करने के लिए, एक बार हम सोचेंगे कि भाई देखो, एक बार हम देखेंगे सारा देश का छोटे छोटे पार्टी लोग पार्टी बनाए हैं बाबा का नाम में, सारे को बुलाए, जब नहीं आएंगे तो देश पर हम संग्राम करेंगे। ये राजनीति बड़े राजनीति, तो मैंने उसी वक्त मुझे इसीलिए हम राज्य में चार बार मिनिस्टर रहे, केंद्र मिनिस्टर रहे, सारे बड़े अच्छे दल के एक हो गए भाई, इनको कभी हम सत्ता को नहीं लाए। तो मैं बाहर, मैं 50 साल के अंदर 90 तक मेरा उम्र 78 चल रहा है, मैं 50 साल के अंदर 5 बार मिनिस्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर, मैं 70 में नौकरी छोड़ दिया था। तो राजनीति में उसी वक्त के हिसाब से ये पढ़ा लिखा आदमी को कितना है, ये पढ़ा लिखा आदमी राजनीति में कितना है, आप 70 में सिविल इंजीनियर नौकरी छोड़ना आसानी नहीं है। फिर मैं गरीब परिवार का हूँ, चम्मा परिवार का हूँ, मैं 3 बार जनरल सीट से जीता हूँ, लोकपाल इसीलिए ये लोग सारे इकट्ठा हो गए, इनको हम राजनीति से अलग नहीं करने से ये जनता को जुड़ दें। तो हम कैसे नहीं जुड़ाएंगे, इसीलिए सारे काम करते हैं। तो मान लो हम जुड़ने के लिए अभी हमारा जो मुस्लिम भाई का बेस ज्यादा जर्ज करते हैं भाई, आप लोग इच्छा है, आपके लिए मंदिर, आपके लिए स्थान है।
और बड़े बड़े मुसलमान जो है आप लोग वही के कह दीजिए भाई सारे गली को आप बोले भाई आओ ये अल्लाह का घर सबका घर है आओ मिलेंगे नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।